देहरादून के यूकेडी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी ने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अपनी संवेहक की नियुक्ति कर चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी। अब यूकेडी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए काम करेगी। वहीं यूकेडी इस बार चुनाव मैदान में खुद को दूसरे नंबर के पायदान पर देख रही है। अब यूकेडी की बातों में कितना सच है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं पार्टी ने पार्षद प्रत्याशी को नहीं उतारा है बल्कि मेयर के लिए ही अपना प्रत्याशी विजय बोराई को चुनाव मैदान में उतारा है। चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने पूरी सक्रियता के साथ चुनाव लड़ा और इसके लिए हमने अपने वरिष्ठ नेताओं की चुनाव प्रचार के लिए एक समिति का गठन किया है। इसमें हमारे वरिष्ठ नेता केंद्र चुनाव संचालन समिति में रहेंगे, जिसका नेतृत्व माननीय अध्यक्ष दिवाकर भट्टी करेंगे। बंगाल मंडल का नेतृत्व माननीय चौधरी भवान जी करेंगे और कुमाऊं मंडल का नेतृत्व पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री प्रोफेसर त्रिपाठी जी करेंगे। उनके साथ पूरी टीम काम करेगी। 11 आदमी की टीम हमने गोपाल मंडल के लिए बनाई और 11 आदमी की टीम जो है कुमाऊं मंडल के लिए बनाई। उसके अलावा पूरी चुनाव को जो है केंद्र चुनाव संचालन समिति देखेगी, जिसमें सभी हमारे वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और इस बार पूरी शिद्दत के साथ उत्तराखंड का अंदर जो है चुनाव लड़ेगा। इस वक्त हमारी जो मुख्य लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से है। आज की तारीख में कांग्रेस तीसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रही है और उकाऊ और भाजपा के बीच मुख्य लड़ाई है। नहीं देखो हमारे हमारे तो मुश्किल से एक आध कार्यकर्ता ही गए होंगे। जब पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं तो टिकटों की समस्या तो हो ही जाती है। अगर एक बार से 10-10 आदमी आ जाएंगे तो टिकट तो कोई मिलेगा, सबको तो मिल नहीं सकता, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा बुरी हालत तो कांग्रेस की हुई, जहाँ कार्यालय में थप्पड़ कांड हुआ उसकी गूंज तो पूरे प्रदेश में सुनाई दी गई है और जिसका गंदा माहौल वहाँ पैदा हुआ उससे तो हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। फिर हमारे कार्यकर्ता जो है अनुशासित हैं, संगठित हैं। एक आध कार्यकर्ता अगर कोई चले भी जाता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनता इस बात को समझ चुकी है। 18 साल जो बचपना था जनता के अंदर भी और राज्य के अंदर भी, वो बचपना मैच्योर हो चुका है। 18 साल में मैच्योर हो गए हैं, बालिक हो गई है और जनता समझ चुकी है इस बात को कि उत्तराखंड राज्य को दिलाने वाले जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन किया था, ये उत्तराखंड का अगर भला हो सकता है तो उत्तराखंड का अंदर ही भला कर सकता है। बाकी राज्य राष्ट्रीय पार्टियों से उत्तराखंड का भला होने में पूरे देश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, पूरे देश के अंदर जो राजनीतिक परिस्थिति है वो सब देख रही है। सारे देश के अंदर क्षेत्र दल जो है बहुत प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड की जनता भी इस चीज़ को समझ रही है कि किसी प्रदेश के बड़े विकास के लिए क्षेत्र दल का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज उत्तराखंड की जनता जो है क्षेत्र दल के रूप में उत्तराखंड का आंदोलन को देख रही है। निश्चित रूप से जीत जनता कार्यकर्ताओं का जोश तो है ही है, कार्यकर्ताओं का जोश है और सबसे निष्ठावान कार्यकर्ता हमारे पास ही है। हम सत्ता में न होने के बावजूद भी हमारे पास कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी पहुंच है, जबकि कांग्रेस और भाजपा में तो लोग कार्यकर्ता से उम्मीद में बैठते हैं कि सत्ता में आएंगे तो कुछ लाल बत्ती मिलेगी, पीली बत्ती मिलेगी, ठेके मिलेंगे। हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जैसे आप कह रहे हैं जनता ने वोट दिया। उसके बावजूद अगर कार्यकर्ता हमारे पास है तो निश्चित रूप से निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता हमारे पास ही है। उसके संसाधनों की कमी तो जरूर है, हम उस चीज को स्वीकार करते हैं, लेकिन संसाधन जनता के आगे बौने हो जाते हैं और जनता अगर मन बना लेती है, जनता जिस चीज को अप्रिशिएट करती है, जनता अगर ठान लेती है तो ये चुनाव जो है जनता को लड़ना है और जनता के दम पे चुनाव लड़ा जाएगा। जो है पंच जो है जनता है और जनता ही तय करेगी इस राज्य का कर्णधार कौन होगा। मैंने पहले भी बात स्पष्ट कर दी है अभी कि पूरे देश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ये देख रहा है कि आज जितने भी पूरे देश के अंदर क्षेत्रीय दल जो है उभर रहे हैं और उत्तराखंड की जनता 18 साल से देख चुकी है कि राष्ट्रीय पार्टी को मौका दीजिए, उन्होंने शायद अपनी भूमिका एहसास हो चुका है और 18 साल में एक बचपना होता है, बचपना मैच्योर हो चुका है और पूरी जनता भी मैच्योर हो चुकी है, पॉलिटिकल पार्टी मैच्योर हो चुकी है और 18 साल का कुशासन देख चुके हैं। इसलिए क्षेत्रीय दल के रूप में उत्तराखंड का दल को एक बार पुनः मौका देने की तैयार बैठी हुई है। देखो राजनीतिक दलों के लिए हर चुनाव बहुत अहम होता है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे जिला स्थानीय निकाय का हो, चाहे लोकसभा या विधानसभा, हर चुनाव चुनाव होता है। हर चुनाव को पूरी शिद्दत और ईमानदार से लड़ा जाता है और पूरी शिद्दत और ईमानदार से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हर चुनाव में हम अपनी पूरी निष्ठा से काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। बाकी जनता ये सब जनता के ऊपर निर्भर करता है, जनता हमें किस रूप में देखती है और कितना हमें वोट देती है, कितना सहयोग करती है, जनता का प्यार और सहयोग कितना मिलता है वो चुनाव के बाद पता चलता है। देहरादून से श्रमिक मंच के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।